भाई मैं पिछले 1-2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि अभी YouTube पर क्या हो रहा है। काफी लोग ऐसे हैं कि जो कि इसे चार्ज करने का एक नया ट्रिक आपको बता रहे हैं, जबकि वो नया ट्रिक तो नहीं है, पुराना ट्रिक है। लेकिन वो क्या इसे चार्ज करने के लिए सक्सेसफुल होता है? जैसे कि कुछ थंबनेल्स मैं आपको साइड पर दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको वीडियोस पर बताया जा रहा है। और आप लोग क्या करो, इसे बना भी रहे हो, इससे आपकी बैटरी खराब होगी या नहीं होगी, आज मैं आपको पूरा डिटेल्स आपको समझाने वाला हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर देना। अगर हेल्प होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे जो बाकी लोग भी होंगे वो भी इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। तो चलो गाइस, वीडियो को तुरंत से स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं ये आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ कि कौन सी बैटरी चार्ज होती है और इससे ये परफेक्ट काम करता भी है या नहीं करता है, क्योंकि अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले बात करें तो बैटरी हमारे पास अब काफी सारी होती है। जैसे कि ये हमारा है लिथियम आयन बैटरी, ये हमारा स्मार्टफोन का बैटरी, और ये है हमारा इमरजेंसी लाइट्स की बैटरी, जो कि नॉर्मली पहले जाता था। ये लेड एसिड बैटरी है, इससे अच्छा बैकअप लेने के लिए यूज करते हैं। ये मोबाइल की बैटरी, उससे भी अच्छी खासी बैकअप लेने के लिए हम यूज कर लेते हैं लिथियम आयन बैटरी, जो कि 1850 मॉडल होता है। अब इसे चार्ज करने के लिए हम काफी अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स को यूज करते हैं। जैसे कि एक हमारा होता है ये पावर बैंक मॉड्यूल, इससे भी हम चाहे तो अच्छे खासे हम इससे भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। दूसरे मॉड्यूल की बात करें तो ये है हमारा एक TP4056 मॉड्यूल, और ये भी आपको मार्केट पर इजिली से मिल जाता है। लेकिन जैसे कि मैं जो बात करने वाला हूँ, जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि लोग जो है वो कैसे यूज कर रहे हैं, तो ये सिंपल से ट्रिक से ये एक यूज करते हैं। जैसे कि एक हमें यहाँ पर डायोड लेना होता है, जो कि ये 1N47 का डायोड है, और इसके साथ हमें एक LED और ये फ्यूज ना हो उसके लिए एक रेजिस्टेंस। तो इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, यहाँ से मैं इस वाले सर्किट को यूज करने वाला हूँ। अब ये इसे चार्ज होगा या नहीं होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो, सबसे पहले जो इसका सर्किट है उससे मैकिंग करके हम देख लेते हैं। अब जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने सेम सर्किट को बना लिया है। यहाँ पर LED का जो नेगेटिव है, इसे मैंने डायरेक्ट पैनल के साथ कनेक्ट किया, यानी कि मॉड्यूल के साथ मैंने कनेक्ट किया, जो कि यहाँ पर एक वायर भी मैंने निकाला है जिससे हम बैटरी के नेगेटिव पॉइंट को यूज कर सकते हैं, जैसा उस वाले सर्किट पर बताया जाता है। यहाँ पर LED फ्यूज ना हो जिसके लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूज किया गया है। यहाँ पर मैंने 470 ओम्स का मैंने रेजिस्टेंस को यूज किया, 1 के तक का आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर जो हमारा डायोड है, डायोड का ब्लैक पट्टी हमें पॉजिटिव पर लगाना है। जैसे कि ये हमारा फीमेल कनेक्टर है, तो इससे जो हमारा आउटपुट निकलेगा उस वाले पॉइंट पर हमें डायोड लगाना है। डायोड को लगाना इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और इसका जो सिल्वर वाली पट्टी रहेगा उस पर हमें वायर को कनेक्ट करना है, जो कि हमारा बैटरी पर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से इसका जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने TP4056 मॉड्यूल पर ही आउटपुट पर भी मैंने यहाँ पर 2 वायर को कनेक्ट किया है, जिससे हम यहाँ पर भी चेक करके देखेंगे बैटरी को डिफरेंस पर देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता है। तो चलो, अब मैं आपको एक एक करके इसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले चार्जर को कनेक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, ये माइक्रो टाइप का है और मैं यहाँ पर माइक्रो टू सी टाइप का यहाँ पर फीमेल को पोर्ट ले रहा हूँ, जिससे मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा दूँ। ये मैंने सी टाइप को कनेक्ट कर दिया। अब इस वाले जो जेक है इसे मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। ये देखो, जैसे यहाँ पर मैं कनेक्ट करता हूँ तो इस जगह पर क्या होता है, जो LED है वो ग्लो करता है, लेकिन यहाँ पर जो TP4056 का जो यहाँ पर LED है वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है। तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस वाले सर्किट को डायरेक्ट टेस्ट करना है। अगर यहाँ पर आप डायोड नहीं लगाते हो तो बैटरी जो होगी वो डिस्चार्ज हो जाएगी। चलो, मैं यहाँ पर आपको बैटरी को थोड़ा चेक करके दिखा दूँ। सबसे पहले बैटरी का जो वोल्टेज है उससे मेजरमेंट करते हैं, यहाँ पर जो बैटरी की वोल्टेज है वो कितनी है। देखो, इस वाली बैटरी की जो वोल्टेज है वो 3.79 है, ठीक है, क्लियर है। अब चलो मैं आपको यहाँ पर इस वाले पैनल को यूज करके दिखाता हूँ, यानी जो मॉड्यूल है इसका मैं आउटपुट आपको चेक करके दिखाता हूँ, इस पर आउटपुट हमारा कितना आ रहा है। देखो, यहाँ पर आ रहा है 4.9 वोल्ट। अब इसी से आप समझ लो कि अगर आप यहाँ पर बैटरी को चार्ज करते हो तो आपकी बैटरी तो 100% खराब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो साफ साफ बैटरी पर भी लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर 3.7 वोल्ट ही यूज कर सकते हो। और आपको पता है कि जब ये फुल चार्ज होता है तो यहाँ पर 4.2 वोल्टेज हमें आउटपुट लेना होता है, अगर इससे ज्यादा होगा तो ये ओवरलोड हो जाएगा, यानी ओवर हीटिंग भी हो जाएगा। अब चलो, यहाँ पर TP4056 पर यूज करते हैं कि इस पर हमें आउटपुट कितना देखने को मिल रहा है। देखो, इस जगह पर भी अगर हम देखें तो अभी यहाँ पर निकल रहा है 4.69 या 4.4, कुछ इसी तरीके से संतरी से निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी अभी कनेक्ट नहीं है। तो चलो, अब मैं यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट करता हूँ साथ पर, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि अब ये वोल्टेज कितना देता है। ये देखो, यहाँ पर है 4.78 जो कि TP4056 से निकल रहा है। अब हम यहाँ पर इसे बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उसके बाद कितना वोल्टेज आता है। ये देखो, अभी जो ड्रॉपेज है वो तुरंत हो चुका है, और अभी यहाँ पर देखो 3.8 वोल्ट हमें बता रहा है। अब जब ये बैटरी को फुल चार्ज कर देगा तो यहाँ पर हमें 4.2 वोल्टेज हमें
आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर देखो ये चार्ज भी हो रहा है, धीरे धीरे आपका बैटरी चार्ज भी होता रहेगा। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर दूँ, यानी कि हमने जो यहाँ पर सर्किट बनाया इस वाले सर्किट से, अगर इसे चार्ज करेंगे तो क्या बैटरी चार्ज होगा या बैटरी खराब हो जाएगा। तो इसी को चेक करने के लिए मैंने ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ग्राउंड को और इस वाले बैटरी का जो ग्राउंड है उसे यहाँ पर टच करते हैं, और ये जो मॉड्यूल है यहाँ पर वायर देखो पॉजिटिव वाला है, इसे हम यहाँ पर टच करते हैं। देखो वोल्टेज अभी जो है, जो पैनल से हमारा आ रहा है, मॉड्यूल से आ रहा है, चार्जर से आ रहा है, वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर टच करते हैं आप वोल्टेज यहाँ पर देखना, ये देखो वोल्टेज यहाँ पर तुरंत ये कम हो चुका है। आपने देखा था कि पैनल पर कितना आ रहा था जब मैंने मॉड्यूल से कनेक्ट किया था, तो 3.4 यहाँ पर बैटरी चार्ज था। और अभी देखो ये कितना जल्दी बैटरी को चार्ज करता है, आप सिर्फ देखते जाओ, कोई वीडियो फेक नहीं है या वीडियो फास्ट फॉरवर्ड मैंने नहीं किया। देखो 4.3 पॉइंट पर आ गया, 3.93, देखो आप देखते जो बैटरी जो है वो फास्ट चार्ज हो रहा है। और इस तरीके से अगर आप जब बैटरी को चार्ज करोगे तो बैटरी यहाँ पर आपकी 100% खराब हो जाएगी। तो आप बोलोगे भाई हम तो काफी लोग वीडियो पर बता रहे हैं कि इससे बैटरी चार्ज हो जाता है, हो जाता है, तो आप 100% आप इसे बैटरी को चार्ज कर सकते हो। लेकिन इसके लिए भी आपको एक छोटा सा ट्रिक लगाना होगा, और वो ट्रिक कौन सा है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल पर क्या होता है कि यहाँ पर प्रोटेक्शन लगा हुआ है, जिससे 4.2 वोल्ट आते ही ये पावर को कट ऑफ कर देता है। लेकिन जब आप इस वाले डायरेक्ट सर्किट को यूज करते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि बैटरी, जैसे कि अभी मैंने आपको वोल्टेज दिखाया कि 4.8 4.9 वोल्ट आ रहा था, लगभग 5 वोल्ट के करीब आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ डायोड को लगाने की वजह से। अगर यहाँ पर डायोड भी नहीं लगाते हो तो 100% है कि यहाँ पर हमें टोटल 5 वोल्ट देखने को मिलेगा, जिससे बैटरी जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। अब ये मॉडल कब का चल रहा था वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो हमारी लीड एसिड बैटरी है ये वाली, ये पुराने टाइम की है, और इस वाले पर क्या होता था कि यहाँ पर बैटरी पानी लगता था, लीड एसिड बैटरी सीरीज से बोला जाता है। और इसे जब हम इसे डायरेक्ट चार्ज करते थे तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस ये गर्म होता था और इस पर भी टाइमिंग लगा हुआ होता था। जैसे कि जो भी ये इमरजेंसी लाइट है उस पर हम क्या करते थे कि मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटा हम इस पर चार्ज करते थे, उससे ज्यादा करते थे तो यहाँ पर जो बैटरी है वो धीरे 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 समय के साथ ये खराब हो जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि काफी लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी बची हुई है, और अगर आप इसे चार्ज करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। जैसे ये 3000 mAh की बैटरी है, और आप यहाँ पर जब चार्जर से इसे डायरेक्ट इनपुट दे रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो बैटरी है वो 3000 mAh की है, और हमारी जो चार्जर होती है वो होती है 2 एम्पियर की, यानी 2000 mAh की। अब उस कंडीशन पर अगर आप इसे चार्ज लगाकर छोड़ देते हो 3 से 4 घंटे तक, तो आपकी बैटरी यहाँ पर हीटिंग होगी और ये खराब हो जाएगी। तो इसे बचाने के लिए भी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो आप जब भी इसे चार्ज करोगे तो मैक्सिमम आप 2 घंटे यूज करना, चाहे कोई कितनी भी एमएच की बैटरी होगी, अगर वो 1200 mAh की है, 1800 mAh की है, या ये 3000 mAh की है, तो आप यहाँ पर फिर भी 1 घंटा यूज करना, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा। उससे ज्यादा यूज करोगे तो बैटरी खराब हो जाएगी। और इस तरीके से तो मैं बोलूंगा कि आप चार्ज मत करना, उसमें ही आपकी भलाई है, क्योंकि आपके पैसे लग रहे हैं। और देखो जितना आप इसमें लगाओगे कि ये 15 रुपये या 5 रुपये में बन जाएगा, तो इससे आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। और फोन की बैटरी तो ऐसे ही खराब हो जाएगी जैसे आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा भी है कि 4.35 वोल्ट हमें इनपुट देना है, यानी कि लास्ट बैटरी फुल चार्ज इतना में हो जाता है, लिमिट है, लिमिट चार्जिंग वोल्टेज 4.35, और जो मैक्सिमम जो है वो कितना चलता है देखो 3.8 हमें देना होता है इनपुट के लिए। तो बस कुछ इस तरीके से देखो आपको इमरजेंसी के तौर पर समझा, तो इमरजेंसी में आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन आप बोलोगे कि रेगुलर यूज करना है तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा, आप इसे यूज मत करना। ये देखो 15 से 20 रुपये में ये मॉड्यूल मिल जाएगा ऑनलाइन पर, आपको लगभग 50 या 100 के बीच में मिल जाएगा, तो आप इसे ले सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको दोनों में से कोई भी यूज करना है तो करो, लेकिन बैटरी आपकी खराब हो जाएगी डायरेक्ट वाले पर, इतना मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, कैसा लगा मुझे तो नीचे कॉमेंट्स पर बताना। और चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।